हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर सीएमए इंटर कॉस्ट एफएम स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे कॉस्ट एफएम की एग्जाम्स देने वाले हैं इस पर्टिकुलर जुलाई 10 ईयर में, उनके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूं मैं। इस वीडियो में मैंने एक्सटेंसिवली सारे बातें कवर की हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे रिवाइज करना है, एग्जाम में कैसे जाते वक्त अटेम्प्टिंग सीक्वेंस आपके दिमाग में होना चाहिए और एग्जाम में आप पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करोगे एंड सो ऑन। तो हर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं मैंने ओवरऑल सब कुछ इस वीडियो में कवर किया, और इससे पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने कॉस्ट के बारे में भी सारा बात बता दिया। तो आज मैं पेपर नंबर 10 विच इज कॉस्ट एंड एफएम उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सिंस आप सब जानते हैं कि ये पेपर सिर्फ ओल्ड सिलेबस में है, न्यू सिलेबस में अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है, तो वो वाले टॉपिक के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो ओल्ड सिलेबस 2016 सिलेबस में एग्जाम्स जिस पैटर्न में लिए जाते थे उस बेसिस पे हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब मैं इस डिस्कशन को स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस। प्लीज इस सेशन को लास्ट तक सुनिएगा ताकि आपके पास सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके इस एग्जाम्स को लेके, कि कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वगैरह वगैरह, जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। और अगर वर्थफुल लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट एंड एफएम एग्जाम के डेट से, कॉस्ट एंड एग्जाम का डेट आपको मालूम होगा 18 जुलाई को है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज सरप्राइजिंग एज इन आपको अगर ध्यान हो तो आपका जो एग्जाम्स का रूटीन है उसमें एक ग्रुप वन और एक ग्रुप टू होता है ऑल्टरनेटिव डेज, और आपके कॉस्ट के एग्जाम से पहले कॉस्ट एफएम का एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों आपके जो कॉस्ट का रिवीजन, जो आप सोचते हैं ना कि कॉस्ट का रिवीजन करते वक्त तो हम ऑलरेडी ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कारण पहले आप कॉस्ट एफएम के लिए पढ़ोगे, देन आप कॉस्टिंग के लिए पढ़ोगे। तो दिस इज अ वेरी मतलब यूनिक थिंग इन दिस एग्जाम शेड्यूल। बट पेपर पढ़ते वक्त आप कॉस्ट पहले पढ़ते हो फिर कॉस्ट एफएम, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले एग्जाम 10 तक कॉस्ट एफएम देगा। तो आपको कॉस्ट की भी तैयारी इस दौरान करनी है और एफएम की भी। दिस इज वन ऑफ द लेंथी पेपर इन योर सिलेबस, क्योंकि इसमें दो पार्ट है और दोनों ही वास्ट है, जिसमें कॉस्ट फिर भी मैं छोटा मानूंगा, बट फिर भी जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है, वो बहुत लेंथी लेंथी वाले हैं। एफएम तो बहुत ही वास्ट है, तो आपको जो टाइम मिलता है एग्जाम से पहले वो बहुत लिमिटेड है। तो इस वजह से इस टॉपिक में आपको कवरेज करते वक्त ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में जो समरी मैट है वो घुमा के जाएंगे, और आप हाईएस्ट टू हाईएस्ट एक से दो सम्स, मैं तो एक ही प्रेफर करूंगा, बट अगर दो कर पाओ तो कर पाओगे, क्योंकि एफएम में फिर भी आप दो दो सम्स बना पाओगे बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द सम्स। वो आपको प्रैक्टिस करना है हर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो मैंने नीचे आपको बताया है, और समरी तो सारे चैप्टर्स का करके जाना। एग्जाम डे पे आपको सुबह सुबह थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए एक बार। प्रेफर मैं नहीं करता कि आप थ्योरी अटेम्प्ट करो, बट फिर भी कई बच्चे बोलते हैं सर हमें प्रैक्टिकल इतना स्ट्रांग नहीं है तो क्या हमें थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कर भी लोगे तो दिक्कत नहीं है, एंड कॉस्ट का थ्योरी बहुत लिमिटेड है तो वो फिर भी पढ़ लोगे तीन चैप्टर के हिसाब से तो बहुत है। और MCQ तो सुबह सुबह देख के जाना ही है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले अगर सुबह सुबह आप देखते हो वो चीज़ सुबह के टाइम पे बिफोर गोइंग टू एग्जाम, तो आपका एक बहुत अच्छा रिकॉलिंग और होता है ना दिमाग में एक स्क्रीनशॉट रह जाता है, जिसके थ्रू आप जब एग्जाम में वो क्वेश्चन देखो आप फटाफट उसको विद इन सेकेंड्स कर पाओ। आइए अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, जैसा कि आप देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी होने वाला है, और पार्ट बी में सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए कंपलसरी होने वाला है। और इन दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, जहां आपको 6 MCQ, 4 मैच दी फॉलोइंग या फिलिंग दी ब्लैंक, ज्यादा चांस मैच दी फॉलोइंग का है, और 4 ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, यानी 14 मार्क्स ईच इन एवरी पार्ट आपके लिए MCQ या फिलिंग दी ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स होने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप 14-14 28 नंबर पकड़ रहे हो, यानी बाकी पेपर में ऐसे 25 नंबर होता है, बट इस पेपर में आपका 28 नंबर का MCQ है। मार्क दिस कि आप ज्यादा MCQ अटेम्प्ट करते हो, मतलब ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो इस पेपर में, रेदर देन कॉस्ट के पेपर में 25 ही होता है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ एक ज्यादा स्कोर करने का चांस और बढ़ जाता है कम टाइम में, कारण मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स मिला के आपके कुछ 28 नंबर बनते हैं, और 28 नंबर कंपलसरी है तो भाई ये तो छोड़ ही नहीं सकते, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो छोड़ने का मतलब भी नहीं है।
अब ये दोनों क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में भी ट्राई करोगे पहले करने का, बट ऑफ कोर्स एज अ टीचर आई विल सजेस्ट कि पहले आप पार्ट ए कंप्लीट करो फिर पार्ट बी, बट फिर भी आप अगर क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हो एग्जाम हॉल में, नो वन कैन मतलब चैलेंज योर आंसर और समथिंग। आप आराम से ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं जो कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको एमसीक्यू बहुत अच्छा आता है तो आप वो कर, बट मैं फिर भी बोलूंगा अगर आप वो नहीं भी करते हो तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपका रीडिंग टाइम है जो 15 मिनट्स का सो कॉल्ड रीडिंग टाइम है उसमें आप क्वेश्चन नंबर वन के साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स भी फटाफट सॉल्व कर लो, क्योंकि वन तो आप करने ही वाले हो एग्जाम में जब आप स्टार्ट करो। जैसे मैंने कॉस्ट के डिस्कशन में भी बोला था, पहला 10 मिनट से 12 मिनट रीडिंग टाइम का तो आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में जो आता है ना वहीं बगल में छोटा छोटा डॉट कर देना है कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, वैसे करके करते आप क्वेश्चन नंबर सिक्स भी सॉल्व कर लो, भले ही आप क्वेश्चन नंबर सिक्स बाद में जाके किए एग्जाम में, बट आपके पास आंसर इकट्ठा रहेगा एक जगह। फाइन सर, अब बात आता है सर कि इसके बाद हमारा क्या पैटर्न है। इसके बाद आपका पैटर्न है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में आपको तीन क्वेश्चंस करने होते हैं और 2, 3, 4, 5 में सारे क्वेश्चंस 12 मार्क्स के हैं। तो एक ऑप्शन मिलता है आपके पार्ट ए यानी कॉस्ट वाले पार्ट से, और वैसे ही सेम 7, 8, 9, 10 में आपको तीन करने होते हैं 12 मार्क्स में, 12 मार्क के एक एक क्वेश्चन में। तो ये जो पैटर्न है ये एकदम मतलब होता है ना स्टीरियोटाइप पैटर्न है, और यही पैटर्न से एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। बट इस 12 मार्क में इंस्टीट्यूट 9+3, 6+6, 5+7 कई पैटर्न में सवाल पूछता है, इवन लास्ट टर्म में तो एक पूरा का पूरा 12 नंबर का भी सवाल पूछ लिया। तो पैटर्न कैन बी सेग्रीगेटेड, बट जनरली अगर मैं दो दो पार्ट में मानूं तो मैंने उसमें क्या क्या टेंटेटिव चांस है आने का वो सब लिख दिया है। जैसे कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही मार्जिनल कॉस्टिंग में रहेगा, और याद करिए ग्रुप 1 में भी एक सेट पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग रहता है। तो ये चैप्टर तो आपके मतलब होता है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया, क्योंकि दो पेपर में आपके लिए फुल फुल सेट ही है, तो इस चैप्टर को तो बढ़िया से करना ही है। फिर है बजट, बजट भी दोनों क्वेश्चन इधर आपका एक सेट रहता है क्वेश्चन नंबर 3, और एक आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 4 जहां आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और साथ ही साथ या तो लर्निंग कर्व या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग का सर्व देखने मिलता है। फिर भी लास्ट टर्म में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, बट इस टर्म में आने का चांस मैक्सिमम है, एंड आई विल गिव मोर लाइकली चांस टू लर्निंग कर्व। इसके बाद जो मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 5 विच इज योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जहां आपको तीन अटेम्प्ट करना पड़ता है 4 में, यानी यहाँ एक और ऑप्शन है जिसमें हर एक क्वेश्चन आप समझ पाओगे, अगर तीन करना है तो मतलब हर एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के हैं ताकि 12 नंबर बन सके। यही सेम पैटर्न आपका ग्रुप 1 कॉस्ट का भी थ्योरी का होता था, बट वहां पे भी अपने कोशिश करते थे कि हम नहीं अटेम्प्ट करें, और यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि हमको थ्योरी अटेम्प्ट करना ना पड़े। अब आता है बात, क्योंकि आपके लिए वो समय का जो बात है, जो आपके लिए समय बचने का बात है वो आएगा नहीं, कारण आपका वो जो 28 नंबर है वो बड़ा जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट बी यानी एफएम वाला पार्ट से। एफएम वाले पार्ट में जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 6 आप शुरू के रीडिंग टाइम में कर चुके होंगे, नहीं भी किए तो अब आप पहले उसी को अटेम्प्ट करोगे, और फिर आप 7, 8, 9, 10 में आपको एनी 3 करना होता है। अगेन एनी 3 में आपको मालूम होगा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो थ्योरेटिकल रहने वाला है, और उसमें भी 3 out of 4 शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता। एफएम का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे थ्योरीज है, तो वो तो नहीं करे तो बेटर है, उससे अच्छा आप अगर 7, 8, 9 ही अटेम्प्ट करो तो बेस्ट। 7 में इस साल मेरे को लगता है कैश फ्लो आने का चांस मैक्सिमम है, लास्ट टर्म नहीं आया था जो मैं एनालिसिस करके बैठा हूँ आपको बता रहा हूँ, और कैश फ्लो का सांस आना ही है, प्लस वो तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी अकाउंटिंग में पढ़ते हो तो आपको आना भी चाहिए वो वाला पार्ट, तो आप उस चीज को तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। नेक्स्ट आता है आपका रेशियोज इसके साथ, तो रेशियोज और कैश फ्लोज का एक कॉमन सेट रहने वाला है जिसमें आपको नंबर स्कोर करना है सबसे पहले। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल बजटिंग, ये वाला जो सेट है ये थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर सेट्स, इसमें ज्यादा टाइम लगते हैं क्योंकि दोनों ही बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। जनरली लोगों को अगर कैपिटल बजटिंग नहीं आता है तो वो थ्योरी अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। अब आता है लास्ट सेट वर्किंग कैपिटल, आने का चांस ज्यादा है, अदरवाइज इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के अलावा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल भी पूछ सकता है, और एक रहता है डिविडेंड पॉलिसी, और जनरली आपका इससे लेवरेज भी पूछ सकता है। अगेन मेरे को जो ज्यादा चांस लगता है मैंने लिख दिया। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको लगते हैं एग्जाम में आपको पढ़ के जाने हैं। पहला, मार्जिनल कॉस्टिंग से डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले भी बोला था कि क्या हमें ये
प्रोडक्ट को इन हाउस बनाना चाहिए कि आउटसोर्स करना चाहिए, क्या हमें अब खुद से इस फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए कि हम अभी भी जो बाहर से सप्लायर से कंपोनेंट परचेस करते हैं वो कंटिन्यू करें, वगैरह वगैरह। डिसीजन मेकिंग के साथ साथ आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के एडवांस्ड प्रॉब्लम्स यानी थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम्स वो वाले प्रैक्टिस करके जाने हैं आपको, तो इस दोनों टॉपिक को अच्छे से करिएगा क्योंकि ये एक सेट है, आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंडली बजट भी एक सेट है पूरा जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है, और उसमें आपको फ्लेक्सी बजट का एक सवाल, और मेरे को लगता है बजटरी रेशियो सिस्टम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको मटेरियल वेरिएंस और एक ओवरहेड वेरिएंस करना है, ज़्यादा चांस ओवरहेड वेरिएंस का है। लर्निंग कर्व जो कि मुझे लगता है आने का चांस सबसे ज़्यादा है, और लर्निंग कर्व से अगर आता है तो वो जो टोटल कॉस्ट कंप्यूटेशन है वो पूछा जाता है उसमें। अब आता है बात आपका एफएम में। एफएम में कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आप डायरेक्ट मेथड लगा के सम्स करते हो वो वाला पार्ट आने का चांस है, और रेशियो में प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट यानी मिसिंग फिगर प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वर्किंग WACC यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही हॉट फेवरेट सवाल है, और अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आता है जो कि कम चांस है बट अगर आया तो वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अगेंस्ट आएगा, उसमें आपका इंडिफरेंस पॉइंट या MM मॉडल पूछने का चांस है। कैपिटल बजटिंग में आपको NPV और कैपिटल बजटिंग में आपको NPV और कैपिटल रैशनिंग वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना है। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल जो कि अगेन आने का चांस कम है बट अगर आया तो उसमें एक जो क्रेडिट पॉलिसी इवेल्युएट करने का एक सेंस है वो आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे जिसमें डिस्काउंट भी है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल में ओल्ड कंपनी का वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहां पे आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम होता है बट WIP रहेगा, तो ये वाला सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल का। और डिविडेंड पॉलिसी में वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल। डिविडेंड पॉलिसी के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट कई बार लेवरेज पूछ लेता है, और लेवरेज में आप कंप्यूटेशन ऑफ OL, FL, CL जरूर देख के जाएंगे। फॉर्मूलाज है ये जरूर पढ़िएगा, MCQ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है अटेम्प्टिंग सीक्वेंस। हमेशा पार्ट वाइज जाइए जैसे मैंने बोला, बट रीडिंग टाइम में क्वेश्चन नंबर 1 और 6 को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा पेपर का पैटर्न बहुत सूदिंग लगता है, अटेम्प्टिंग सीक्वेंस बड़ा प्यारा लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना चाहिए जो कि छोटा होता है, उसमें लर्निंग कर्व रहते हैं, जल्दी हो जाते हैं, उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम जल्दी हो जाएगा। फिर आपको 3 करना चाहिए नेक्स्ट, थोड़ा लेंदी होता है बट पहले आपको 3 करना चाहिए, उसके बाद 2 लास्ट में जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग है, दिमाग चलते ही बन जाएगा। अगर ये 3 में कोई एक नहीं आता पूरा का पूरा तब आप थ्योरी अटेम्प्ट कीजिए अगर थ्योरी ईजी है। लास्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पहले अटेम्प्ट करना है आपको एफएम में, और पेपर को आपको कंटिन्यूटी में करना है, 2 क्वेश्चन पेपर 2 आंसर स्क्रिप्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो आप बोल सकते हो सर अगर मैं पहले 7 कर दूं 6 कर दूं तो कोई गलती है क्या? गलती तो नहीं है, मैं प्रेफर नहीं करता एज आई सेड अर्लियर। फिर आप 7 नंबर करोगे जो कि बहुत आसान रहता है, पहला सम्स ही जो कि कैश फ्लोज जो आपका बहुत स्ट्रांग पॉइंट रहेगा क्योंकि आप कंपनी अकाउंट्स में भी पढ़ चुके होंगे, और रेशियो का सवाल धड़ाके से बन जाता है। अब आया बात आपका क्वेश्चन नंबर 10 आप अटेम्प्ट करोगे विच इज वर्किंग कैपिटल डिविडेंड पॉलिसी या लेवरेज के ऊपर, और लास्ट पे जाके आप 9 करोगे जो सबसे लेंदी होता है और इसमें आप पूरा टाइम दे दोगे अपना। फिर भी अगर रीडिंग टाइम आपके पास लास्ट में बचता है जो कि FM और कॉस्ट के पेपर में मैं कम मानता हूँ बिकॉज ऑफ द टॉपिक्स आज इतने सारे सम्स रहते हैं, बट अगर बचता है तो आपको वापस से एक बार जहाँ जहाँ आपने MCQ या ट्रू फॉल्स छोड़ा था वो कवर कर लेना। अगर आपको लगता है 7, 9 और 10 में आप कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको 11 सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज स्किपेबल है। तो ये पूरा पार्ट था मेरे तरफ से आपके लिए। रीडिंग टाइम में जैसा मैंने आपको बोला आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ वाले तैयारी कर लेने हैं, और आपको क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन जो कि आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले हो वो एक बार देख लेना है अगर टाइम मिला तो, अगर नहीं मिला तो 1 और 6 सॉल्व कर लीजिए, वो भी बहुत है, आपको बहुत टाइम सेविंग मिलेगा एग्जाम हॉल में इस कारण से। तो ये आपके लिए गाइडेंस था एग्जाम को लेके कि कॉस्ट FM का पेपर में आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एंड ऑल। तो प्लीज अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और बताइएगा कैसा गया। बाय बाय।